जैसी, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरमान, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। मुझे एक टेप मिला अरमान, उस टेप में वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ कि शूट के दौरान वैन में क्या हुआ। क्या? हाँ अरमान, हम पल्लवी का कैलेंडर शूट जो रिकॉर्ड करना चाहते थे, मुझे लगता है कि कोई कैमरा चलता हुआ वैन में छोड़ गया और वो सब रिकॉर्ड हो गया। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ? हाँ अरमान। थैंक गॉड जैसी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? जैसी, मुझे समझ लेना चाहिए था कि मेरे साथ तुम हो, तुम्हारा प्यार है, और जब मेरे साथ तुम हो तो मेरा कभी भी कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? हाँ अरमान, हमारा कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसी, क्या हुआ? अरे मुझे देखो, मैं कितना खुश हूं। मुझे लगा तुम भी बहुत खुश होगी, लेकिन तुम तो थक गई हूं अरमान, इस दुनिया से और अपनी तकदीर से लड़ते लड़ते। क्या हुआ जैसी? अरमान, जब से हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ है, दुनिया ने हम दोनों से नफरत करनी शुरू कर दी। रोज नई रुकावटें, रोज नई मुश्किलें, पता नहीं कब तक चलता रहेगा ये सब। जैसी, हमारी रुकावटें, हमारी मुश्किलें, वो दिन खत्म हो चुके हैं। अब तो हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज रहेगी, प्यार, प्यार और प्यार। 2 हफ्ते में हमारी शादी, और उसके बाद हमारी जिंदगी में रुकावटें नहीं, मंजिलें होंगी। मुश्किलें नहीं, मुस्कुराहटें होंगी, होंगी ना? जैसे, हमें एक दूसरे पे भरोसा रखना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। और याद रखना कि प्यार के जितने भी इम्तिहान दिए जाए, लेकिन जीत हमेशा प्यार की होती है। लेकिन अरमान, हमें इम्तिहान कब तक देते रहेंगे? कब जाके सब कुछ ठीक होगा? जैसे, 2 हफ्तों में हमारी शादी होने वाली है, और 2 हफ्ते कैसे गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मुझे तो अभी भी ये 2 हफ्ते बहुत दूर लग रहे हैं अरमान। ऐसा लग रहा है जैसे ये दूरी हम कभी मिटा नहीं पाएंगे। मंजिल हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेगी, लेकिन मंजिल तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे कभी कुछ हो जाएगा कि जैसे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब क्या हो सकता है? हेलो जैसी, बेटा तू जल्दी से घर आ जा, अभी इसी वक्त। ये क्या हुआ? देख देख, अभी सवाल मत कर, बस तू फौरन घर आ जा। अच्छा, अरमान को भी साथ लेके आना। लेकिन बेबे, बात क्या है? मुझे घबराहट हो रही है बेबे, प्लीज मुझे बता। मैं फोन पर नहीं बता सकती, तू बस आ जा। अरमान, हमें इसी वक्त घर जाना होगा, चलो। बेबे, बेबे, अरमान सब कहाँ गए? ससी, मैं देखता हूँ। बेबे वही, रुक जाओ। क्यों आ गए ना दोनों भाग भाग के घर? बेबी, वैसे बेबे भी कभी कभी एक्टिंग कर ही लेती है। देखो, तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर लग गई थी, पर परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने गुरुद्वारे जाके मत्था भी टेक लिया है, और अब मैं तुम दोनों की नजर भी उतार दूंगी। अब तुम लोग की शादी में कोई मुश्किल नहीं आएगी।
भैरगोप, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अब क्या हुआ पापा जी? मुझे नंदू ने बता दिया था फोन पर कि उस लड़की ने अपना केस विड्रॉ कर लिया, इसलिए मैं इस खुशखबरी के मौके पर ये मिठाई लेकर के आया हूँ। लो ना बेटा, ठीक से ऐसे थोड़ी मुकर दी। बस कैसे पता है, जैसी जब छोटी थी ना तो कभी कभी एक पाव जलेबिया अकेले हजम कर जाती थी। और क्या, आपको पता है पापा जी, बेबी ने हमें कितना डरा दिया था, भागते भागते आए हम लोग यहाँ पर। भागते भागते बेबी ने कहा कि वैसे तो ये आएंगे नहीं, इनको ऐसा फोन कर दो तो भागे चले आएंगे। मुझे लगता है कि अब यहाँ घबराने की कोई बात नहीं, इससे मुझे चलना चाहिए, मुझे थोड़ा काम है। फिर आना बेटा। राजेश फोन करना।